नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिंपल फार्मेसी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको मेथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। बात करेंगे कि मार्केट में आपको ये कितने रुपए की मिलेगी, किस नेम से मिलेगी, कैसे ये काम करती है, क्या क्या इसके यूजेज़ हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, कैसे इस टैबलेट को यूज़ करना चाहिए, कितने दिनों तक यूज़ करना चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं आपको, और सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है ये टैबलेट इस्तेमाल करते समय। दोस्तों, मायसेल्फ भेमेन फार्मासिस्ट, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और इस चैनल पर आपको दवाइयों से जुड़ी जानकारी और हेल्थ से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये मेथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट है ये मार्केट में आपको कितने रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, 50 रुपए से लगाकर 60 रुपए के बीच में आपको 10 टैबलेट की स्ट्रिप आती है, वो ख़रीद सकते हैं आप। बात करें कि किस नेम से मिलेगी, तो दोस्तों एक इसका बहुत ही फेमस ब्रांड नेम आता है मेड्रॉल। मेड्रॉल के नाम से आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। और एक जानकारी दे दूँ दोस्तों कि ये जो मेथाइल प्रेडनिसोलोन है ये इंजेक्शन फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। टैबलेट के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ये जो मेथाइल प्रेडनिसोलोन है ये आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, ये एक ग्लूकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन होती है। अगर बात करें जो ये मेडिसिन है ये हमारे शरीर पर काम कैसे करती है, तो दोस्तों ये हमारे शरीर में क्या करती है कि इन्फ्लामेशन को घटाती है और जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसमें चेंजेस करती है, जिससे हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन होता है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अब इसके हम उपयोग के बारे में। तो दोस्तों, इसका उपयोग बहुत सारी कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग जैसे कि गठिया एक आपने बीमारी सुनी होगी उसके उपचार में किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हाथ पैरों के जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कटकट की आवाज़ आती रहती है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। जॉनसन्स सिंड्रोम में भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब दूसरी दवाइयाँ काम नहीं करती हैं या फिर दूसरा ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, तब डॉक्टर मेथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल जैसे कि सीजनल एलर्जी हो जाती है लोगों को, सर्दी जुकाम की समस्या, बुखार की समस्या, मौसम बदलने के कारण, तब इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, अगर फूड से किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तब भी डॉक्टर इस टैबलेट का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर आपकी आँखों से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या रहती है, जैसे कि आँखों में सूजन या फिर आँखों में अल्सर, घाव होना, तब भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पेट से जुड़ी समस्या, हमारी आँतों से जुड़ी समस्या, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, आँतों में घाव हो जाना, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। क्रॉन्स डिजीज़ में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग अगर आपके फेफड़ों से संबंधित किसी प्रकार का विकार है, जैसे कि दोस्तों बेरेलियम पॉइजनिंग के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल अगर आपके मान लीजिए कि प्लेटलेट की कमी रहती है शरीर में, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी रहती है तब भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल कुछ खास ब्लड के कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको जितने इसके उपयोग बताए हैं, हो सकता है इसके अलावा भी डॉक्टर इसको अदर कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे। फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको ये टैबलेट कैसे उपयोग करनी है। तो दोस्तों, इस टैबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, रात के समय में पेशेंट को दिया जाता है, सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका इस्तेमाल दिन में एक ही बार किया जाता है। और दोस्तों, ये जो टैबलेट है ये थोड़े समय के लिए भी मरीज को दी जाती है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी इसका चलता है। दोस्तों, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, तो जैसे कि आपका वेट बढ़ सकता है, भार बढ़ सकता है, मूड में आपके बदलाव आ सकता है, और दोस्तों पेट आपका ख़राब हो सकता है। अगर इसके अलावा आपको या फिर ये लक्षण दिखाई दें तो इसको लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो आपका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सावधानियां क्या क्या रखनी है इस टैबलेट को लेते समय। तो दोस्तों, एल्कोहल के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये सेफ़ है दोस्तों, और
अगर प्रेगनेंसी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें इसके बारे में, तभी इसका इस्तेमाल करें। किडनी और लीवर की गंभीर बीमारी होने पर भी अपने डॉक्टर से सलाह लेके फिर इस टैबलेट का उपयोग करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारी मेथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।